हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम अपने सिस्टम के साथ या लैपटॉप के साथ कोई भी डिवाइस या कीबोर्ड माउस प्लग इन करते हैं तो एक साउंड जनरेट होती है। अभी मैं उसका आपको एक डेमो देता हूँ। अभी हम चलते हैं अपने साउंड के ऊपर और यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कैलेंडर रिमाइंडर, क्लोज प्रोग्राम, बैटरी रिमाइंडर, मतलब इस तरह की और भी जितनी भी साउंड्स वगैरह हैं, मतलब जो नोटिफिकेशन है, तो वो यहाँ पर है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिवाइस कनेक्ट एंड डिवाइस डिसकनेक्ट है। तो मैं पहले जो हमारा डिवाइस कनेक्ट करते हैं, प्लग इन करते हैं, तो वहाँ पर जो मतलब नोटिफिकेशन साउंड लगी हुई है, जो जनरेट होती है, वो हम एज अ डेमो अभी देखते हैं। मैं इसको टेस्ट करता हूँ। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने टेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो एक साउंड जनरेट हो रही थी। अभी मैं डिसकनेक्ट के लिए चेक करता हूँ कि वहाँ पर कौन सा नोटिफिकेशन का जो मतलब बेल या मतलब जो साउंड है वो लगा हुआ है। तो अभी इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये लगी हुई है। और अब इसके बाद अगर हम लोग ये हमारा जो साउंड वाला मतलब आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करें, साउंड हम कम या ज़्यादा करें, तो वो उसके ऊपर भी एक मतलब साउंड जनरेट होती है, ये हम देख रहे हैं। तो अगर तो ये सिंपल हम वैसे इसको करें तो कोई मतलब इतना शोर नहीं आता, लेकिन अगर हम लोग हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि जब हम कोई भी नोटिफिकेशन या मतलब इस तरह की कोई बेल लगी हो या कोई हम चीज़ प्लग इन करते हैं तो एक ना अजीब सी मतलब अनोइंग साउंड जनरेट होती है, जिससे क्या होता है कि मतलब इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उसको इन साउंड्स को हम लोग टर्न ऑफ करना देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने उसी तरह जो हम लोगों ने अभी डिवाइस कनेक्ट हमने चेक की थी, तो उसके ऊपर हम लोगों ने जो साउंड चेक किया तो उसको हम टर्न ऑफ करते हैं। तो हम सबसे मतलब टॉप के ऊपर जो पहली मतलब ऑप्शन है नन, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम डिवाइस डिसकनेक्ट, उसको भी इसी तरह पहली ऑप्शन जो हमने टॉप के ऊपर है नन, उसको सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट और डिसकनेक्ट के ऊपर टेस्ट की ऑप्शन नहीं आ रही, क्योंकि हमारी जो साउंड है वो नन हो चुकी हुई है। इसी तरह अभी हम बेल जो साउंड वाला था उसको भी चेक करते हैं, लेकिन ये भी आ रही है। तो इसको कैसे हम टर्न ऑफ करेंगे, उसी तरह हम साउंड्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि साउंड स्कीम, यहाँ से हम ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जाएंगे और नो साउंड्स इसको सेलेक्ट कर लेंगे और देन उसके बाद हम अप्लाई एंड ओके। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो साउंड वाला है उसके ऊपर मतलब जो एक साउंड थी, जो बेल थी, वो जनरेट होती है, अब होती है या नहीं। तो अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी आवाज़, मैं ये कम या ज़्यादा कर रहा था, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। तो मतलब इस तरह से हम अपनी जो हम कोई भी साउंड है मतलब डिसकनेक्ट प्लग इन वगैरह उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं और साउंड को भी हम मतलब यहाँ से उसकी जो बेल है या नोटिफिकेशन उसको भी ऑफ कर सकते हैं। तो जी गाइस, वीडियो के अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।